चारों तरफ उड़ रहे धुएं के बारे में कौन किसको दोषी ठहरा रहा है, इसके संबंध में अर्थ प्रकाश टीम ने सुखना लेक पर मौजूद आम लोगों से बातचीत की। देखें आम लोग क्या सोचते हैं। नमस्कार, मैं हूं कनिष्क, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़। और जैसा कि हमें पता है कि प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। दिल्ली की बात करें तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से ऊपर पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। और प्रदूषण जो है इस बार दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि चंडीगढ़ में भी पॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है कि सीधी उंगलियाँ जो है वो किसानों की तरफ उठ रही हैं। तो हम बिल्कुल यहाँ के लोगों से जानने वाले हैं कि उनकी नज़र में असली जिम्मेदार कौन है, किसान या सरकार। आपका नाम? कुलवीर सिंह पप्पा, बठिंडा। कुलवीर जी, इस बार भी पराली जो है वो जलाई गई है किसानों द्वारा, और जो उंगलियां हैं वो सीधी सीधी किसानों पर उठ रही हैं कि उनकी वजह से पोल्यूशन जो है वो हुआ है। तो आपका क्या मानना है कि गलती जो है वो असल में किसान की है या नहीं? किसान की कोई गलती नहीं, किसान का कोई हल ही नहीं। ये किसान तो दो जिम्मेदार ठहरे ही जाते हैं, किसान की कोई गलती नहीं। एक किसानों तक पहुँच भी जाती है, किसान करन भी की, किसान को कोई मसला ही है नहीं हल करन साड़ तो बिना पराली। आपका नाम? कुलविंदर सिंह। कुलविंदर जी, दिल्ली के सीएम की माने तो उन्होंने सीधा सीधा जो आरोप है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों पे लगाया है कि उनकी पराली जलाने की वजह से हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो फिर से हो गया है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, हर बार जो किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाता कि जो गड़गांव या फरीदाबाद जो जो नेड़े नेड़े शहर आ या दिल्ली के इंडस्ट्री नहीं हैगी है कि वह प्रदूषण नहीं फैला रही। 24 घंटे उन्होंने कि धुआं उठता फैक्ट्रियां चो कि वह प्रदूषण नहीं, किनिया उत्तर घटिया कि वह प्रदूषण नहीं गया। किसानों को कुछ मिलता रखा, किसानों की जो फसल का सही रेट नहीं दिता जाता, जे फसल का सही रेट देना तो किसान जो खर्चा आऊगा पराली से उन्होंने हल भी कर सकते हैं। सीएम साहब ने, पंजाब ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सेंटर सरकार को भी 100 रुपया घट्टो घट्ट बोनस दो क्विंटल से, सेंटर सरकार ने नहीं गल सुनी। वो तो किसान किधर जाए, किसानों रेट नहीं मिल रहा, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, हर एक दिन मुलाजमान TADA तो बढ़ जाता, किसानों के कहे बधाते हैं, कोई रेट नहीं बढ़ा रहे कि 70-80 रुपये क्विंटल बढ़ा के वह कि किसानों का हुफ हो जूगा। ये सरकार किसान दबाने च लगियाँ, आप सारे 24 घंटे कि गड्डिया चल दें कि प्रदूषण होंगे वनू रोकन का नहीं, गड़बड़ तो नहीं, पर असल में ना तो पराली के जोड़े सही संद है गठा बनने वाले ज होर प्रबंध नहीं किए गए, उस बहुत घट मिले, किसानों मिले ही नहीं। तो फिर जोड़े प्रदूषण है दिल्ली के झोना उस टाइम व्ढ़िया भी नहीं जा रहा, जदों बहुत ज़्यादा प्रदूषण सेगा उदों तो किसानों ने अग भी नहीं सिलाई, इसलिए मसले का हल नहीं पूरे तौर पर सरकार नहीं कर रही, जिम्मेवार सरकार है। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ। सौरभ, जो इस बार प्रदूषण हुआ है वो बोल रही है सरकार की पराली जलाने की वजह से हुआ है, तो और सीधी उंगलियां जो हैं वो किसानों पर उठाई गई हैं कि किसानों की वजह से जो है ये प्रदूषण जो है फिर से हो रहा है, तो आपके हिसाब से जो ये उंगलियां उठ रही हैं वो ठीक उठ रही हैं या गलत? यार, पहला मैं सरकार तो पूछना चाहुंदा वा कि रोज़ ही मतलब इन्ना पोल्यूशन, इन्नी सारी फैक्ट्रियां कंपनियां करदा वा, हर मिनट हर घंटे इन्ना पोल्यूशन हुंदा वा, तो इन्हां नूं जिहड़ा कीता जांदा वा किसानां वल्लों एक दिन तो वो दिसदा वा। तो बाकी हुण भी जे गल करिए, किसान ने काफ़ी हद तक घटा लिया वा काम, पराली का यूज़ हुंदा पिया वा, तो काफ़ी हद पिछले सालों भी गल करिए 50% मैं मानता वा उहदे नालों पोल्यूशन बहुत घट चुका वा। तो पहला कि हुण जिंदा बहुत सारी पराली नूं अग लग जांदी सी, पर हुण जिहड़ा वा पराली पराली विकदी पई आ तो उहदे नाल पोल्यूशन घटदा पिया वा, तो मैं चाहुंदा कि इन्ना दोष देना चाहिए किसानों में। तो अगर दिल्ली की सीएम की माने तो उन्होंने सीधा सीधा दोष जो है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों पर लगाया है कि उनके पराली जलाने की वजह से जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 900 से ऊपर यानी बहुत ही हानिकारक हवा जो है वो दिल्ली में फैल गई है। मैं पूछना चाहुंदा वा कि दिल्ली का पोल्यूशन कदों है नहीं, पहला है नहीं, अज तो महीना पहला है नहीं, उदो भी सीगा, हुण भी हैगा, तो की फर्क है? आपका नाम? सरपंच जसविंदर सिंह। आप हो कहाँ से? लुधियाना। तो पराली जो है इस बार वो फिर से जलाई गई है, सरकार ने मना भी करा था, तो लोग जो हैं वो सीधी उंगलियां जो हैं वो किसानों पे उठा रहे हैं, तो आपके हिसाब से जो उंगलियां हैं वो किसानों पे उठनी चाहिए या सरकार पे उठनी चाहिए? नहीं, किसानों पे तो बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए, सरकार पे उठनी चाहिए उंगली। तो आप अभी इंडस्ट्री एरिया बद्दी में वहाँ देख लो कितना पोल्यूशन हो, सारा साल हो रहा है ना, किसान कितने दिन करते हैं उसके भी। अभी इस बार किसान ने 70% पराली नहीं जलाई, ठीक है, 30% जलाई है, जिन्होंने जलाई है उनके पास वो मशीनरी नहीं थी, जो जीरो ड्रिल है जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है वो ऑफिसर ही खा गए, उनको मिला ही नहीं, ठीक है ना। इस वजह से आप ईंट भट्ठे देख लो,
सारा साल चलेंगे, ठीक है, उनको कोई नहीं देखता। अभी आप चिमनी देख लो, इंडस्ट्री एरिया चले जाओ, कितना पोल्यूशन हो रहा है, सारा साल हो रहा है ना। पराली कितने दिन साड़ेंगे? पराली एक दिन ही साड़ेंगे ना। तो इसका आप कारण जो है वो यहाँ के लोगों को भी बोल सकते हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं और बाकी भी कई चीज़ों से पोल्यूशन होती है, लेकिन जो उंगलियाँ हैं वो बिल्कुल किसानों पे ही उठाई जा रही हैं, तो इसका इलाज आपकी नज़रों में क्या होना चाहिए? सर मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी का कोई ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, ये आप नोट कर लो। यूरो 4 या यूरो 5 आ ही रहा है, 6 भी आ जाएगा, ठीक है, उतना पोल्यूशन नहीं है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन अगर रोकना है तो इंडस्ट्रियल रोको, ईंट भट्ठों का रोको, ठीक है, जो वेस्टेज है उसका रोको, जो सारा साल पोल्यूशन करते हैं। हम एक चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे, सारे बंदे पराली पराली किसान किसान ही बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं बोलते? वो अभी साड़ देंगे, ठीक है, मान लिया इस बार 30% रह गया, मानते हो ना, पीछे से कम आगे कम हुआ ना। अगर ईंट भट्ठे सारा साल चलते हैं, मैं आपको लुधियाना आ जाओ, आपको दिखाऊंगा कितना पोल्यूशन है, वहाँ किसी का ध्यान क्यों नहीं, जो सारा साल चल रहा है। आपका नाम? कैलाश शर्मा। पुष्पा शर्मा। तो पराली जो है वो जल रही है, एक बार फिर जल रही है, किसान जला रहे हैं और पोल्यूशन जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर दिल्ली की बात करें तो बहुत ही बुरे हाल है, वहाँ के सीएम की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा और पंजाब के किसान ही दोषी हैं दिल्ली में पोल्यूशन के बारे में, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और कल मैं जब अमृतसर से यहाँ चंडीगढ़ आ रहा था तो रास्ते में देखा खेतों में आग लगी हुई थी, इतना धुआं हो रहा था कि कार बंद होने के बावजूद अंदर सफोकेशन हो गया, और सारा जो है विंड का डायरेक्शन अभी दिल्ली की तरफ ही है तो उधर जा रहा है। निश्चित रूप से पराली जलाना गलत बात है, यानी आम आदमी को जो रास्ते में ट्रेवल कर रहा है उसको भी समस्या आ रही है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बार अगर हरियाणा और पंजाब सरकार की माने तो उन्होंने कहा है कि 70% जो पराली है वो नहीं जलाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इन जो स्टैट्स बताए हैं उन्होंने उसमें कुछ गड़बड़ है? नहीं, देखिए, इस बारे में सरकार को सर्वे करवाने चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या सारा दोष पंजाब और हरियाणा का ही है, पराली का ही है, या वहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसका है, तो उसको उनको ध्यान से देखना चाहिए दोबारा। और बाकी ये निश्चित है कि इस पराली का भी फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन दिल्ली के भी अपने फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये चीज़ जो जैसे कल मैंने ट्रैवल करते हुए भी देखी तो रास्ते में बहुत जगह खेतों में आग लगी हुई थी, अमृतसर से मैं चंडीगढ़ आ रहा था तो बहुत धुआं हो रहा था, तो निश्चित रूप से नुकसान तो करता ही है, आगे ही जाता है घूम, तो इस पर भी कंट्रोल तो होना चाहिए। तो आंटी जी, किसानों पे ही उंगली जो है वो उठाई जा रही है और बाकी चीज़ें नहीं देखी जा रही, जैसे फैक्ट्रीज हो गई वो भी पोल्यूशन करते हैं लेकिन किसानों पर ही उंगली उठ रही है, आपको क्या लगता है कि इसमें गलती असल में किसान की है या सरकार की है? सरकार की गलती है, सरकार को कोई और व्यवस्था करनी चाहिए। पोल्यूशन तो ये जो व्हीकल्स चलते हैं उनसे भी बहुत हो रहा है, उनसे भी धुआं, उनको बैन करना चाहिए और उनको कंट्रोल करना चाहिए। आपका नाम? जी, मेरा नाम दयानंद है। दयानंद जी, पोल्यूशन जो है वो किसानों को बोला जा रहा है, बहुत ही बड़ा दोष दिया गया है इस बार की किसानों की वजह से, जो उन्होंने पराली जलाई है उससे पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उंगलियां जो हैं वो किसानों पर ही उठ रही हैं, सरकार पर नहीं उठ रही, तो आपके हिसाब से उंगलियां जो हैं वो सच्ची में किसान पर उठनी चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो पोल्यूशन का जो इशू है ये सडनली कहीं से क्रॉप अप नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट्स को बहुत पहले से अवेयरनेस थी, और जैसे कि अभी पॉलिटिकल ब्लेम गेम हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि पंजाब में जो जलाई जा रही हैं, देन अमरिंदर साहब बोल रहे हैं कि हालांकि उन्होंने कुछ कोशिशें की हैं इसे रोकने के लिए, लेकिन वो सीरियस एफर्ट्स नहीं हुए हैं। जो हमें सबसे पहले ज़रूरत है किसानों को अनेबल करने की, कि जो पराली का जो डिस्पोजेबल मैनेजमेंट है उनके लिए उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट्स मशीन्स दी जाएँ। ऑलरेडी हमारे यहाँ जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा सुसाइड्स कर रहे हैं, ऑलरेडी महाराष्ट्र में भी हालत बहुत ख़राब है, तो ऑलरेडी किसानों को सपोर्ट देने की गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देन ओनली वी कैन से कि भाई किसानों को जो वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या है कि किसानों की हालत बहुत ही ख़राब है, उनका MSP सही नहीं है फसलों का, तो अगर इस तरह से सारा ब्लेम किसानों को ही दिया जाएगा अगर, तो क्योंकि पराली को मैनेजमेंट का जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है वो काफ़ी उनको कॉस्ट अराउंड 8 लाख के आसपास पर हेक्टेयर आ रही है, तो और उसमें से भी कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन दे रखी है जिसमें सिर्फ लोग जिनकी ज़मीन नहीं है उस पर सिर्फ खेती कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इतना इन्वेस्ट करके पराली का प्रॉपर मैनेजमेंट डिस्पोजेबल करना बड़ा मुश्किल है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इफेक्टिव
प्रॉपर्टी पहले मेजरमेंट उठा रहे मेजर्स लेने चाहिए, उसके बाद किसानों को एजुकेट करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ किसानों को कुछ कहा जाना चाहिए। अदरवाइज़ किसानों को सीधा ब्लेम करना बहुत मुश्किल है, पॉलिटिकल ब्लेम को छोड़ करके ये इफेक्टिव मेजर लेना बहुत ज़रूरी है। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम सूरज बान मलिक। तो जो पराली इस बार जलाई जा रही है, सरकार फिर से बोल रही है कि पराली जलाई गई है, इस पर आपका क्या कहना है कि जलाई गई है, उनका क्या करते हैं किसान पराली का और क्यों जलाते हैं वो? देखो पहले किसान पराली जला करता, लेकिन अब किसान ने पराली जलाने की जरूरत नहीं है, इसको इकट्ठा किया जाता है पराली को, जिस तरह दो किलो बाद ले लिया वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं लोग, फिर उसको काट के गत्ता फैक्ट्री को और ये भट्ठे में कई जगह काम आती है और पशुओं को चराई भी जाती है। इसका मतलब कुछ नहीं है, कोई फन्ने फुन्ने हम एक आध कोई आग लगा देता होगा बाद में, जिसके बड़े फन्ने मशीन वगैरह से कटाई करें वो लगा देते हैं, वैसे पराली में कोई आग नहीं लगाता। प्रदूषण का मतलब क्या है? प्रदूषण तो ये है ना, जो ट्रैफिक है इससे बहुत ज़्यादा, जैसे दिल्ली में है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पैदल निकलोगे तो मोटरसाइकिल की मूठ भी लगेंगे आपका हाथांग, तो उसका वो नहीं करते। फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो धुआं करती हैं, कहीं ये जो मतलब कूड़ा करकट है उधर आग लगा देते हैं उसमें, वो कोई कोई दिन लग सल के जाओ है धुआं उठता रहता है, उसका गवर्नमेंट ने प्रबंध करना चाहिए बिल्कुल। और अगर दिल्ली की माने तो वहाँ के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सीधा सीधा आरोप जो है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों पे लगाया है कि उनके पराली जो है वो जलाने की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन एक बार फिर बहुत ज़्यादा पहुँच गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये हर साल उनका यही काम है, वो हर साल, और तो कुछ नहीं कह सकते अपने बारे में, अपनी जो कमियां हैं वो नहीं वो लोग देख सकते, वो हरियाणा पर लगाओगे पंजाब पर लगाओगे। पराली जलाने की ज़रूरत क्या है जब पैसे की बिक्री है, जब 1500 की 1600 की किले की बिक्री है तो क्यों पराली जलाओगे बताओ, कौन अपना नुकसान करेगा ये? पर आपको नहीं लगता ये जो आपने जैसे अभी बताया हमें कि पराली बिकती है, तो इसकी जो सूचना है वो हर किसान के पास है? हाँ, हर एक किसान के पास है, मेरा गांव गतौली है डिस्ट्रिक्ट जींद में, वहाँ भी बिकती है पराली, बिकती है। पर इस बार भी कहा जा रहा है कि 70% जो है पराली चलो नहीं जलाई गई, लेकिन 30% पराली पंजाब और हरियाणा में जलाई गई है, इस पे आपका क्या कहना है? पराली नहीं जलाई जाती, जिस तरह ये मशीन है ना अपनी, वो कटाई करती है, उसके फन्ने रह जाते हैं बड़े, वो एक आधी बार वो आग लगा दी होगी, बाकी उसके लिए भी रोड़ा वगैरह वो मशीन बड़ी बड़ी मशीन ले रखी है, उसको खाद बना देती है, काट देती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस किसान का इन थी, वो जीरी तो खरीदनी नहीं, टाइम पर किसान बर्बाद हो रहा है, पर पराली 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 में ये प्रदूषण हो गया, ये हो गया, सब बकवासबाजी है, नेता लोग भी बकवासबाजी करें। आपका नाम? हरमन। आप कहाँ से? जलंधर। तो इस बार फिर से बोला गया है सरकार द्वारा, न्यूज़ में काफ़ी बोला जा रहा है कि पराली जो है इस बार फिर जलाई गई है और उसकी वजह से जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसकी सीधी उंगलियां जो हैं वो सीधा किसानों की तरफ जा रही हैं, तो आपके हिसाब से किसानों पर उंगलियां उठनी चाहिए या नहीं? नहीं, किसानों पर तो चलो उठनी चाहिए, वो कि गलत कर रहे हैं ना पराली को आग लगाना, तो चलो गलती है, क्योंकि कई जगह पर ऐसे होते हैं कि रोड के ऊपर ही खेत होते हैं, वहाँ बड़ी दिक्कत आती है ट्रैफिक को ना, कि कोई एक्सीडेंट होने के बड़े चांसेस होते हैं, और लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रिक्टली एक्शन तो लिया नहीं जाता, जो जैसे जिसके लिंक हैं पॉलिटिकल लिंक्स हैं, जो किसी के पुलिस वाले के साथ लिंक है, अल्लाह बोलता कोई वाली तो आप लगा लो हम हैं, तो दबाया सिर्फ उन्हीं को जाता है जिनका कोई लिंक नहीं है, जो छोटे किसान हैं उनको भी बोला जाता है। अच्छा, छोटे किसानों में 2-3 खेत होते हैं वो लगाते भी नहीं हैं, जिनकी ज़्यादा है, ज़्यादा पेट्रोल डीजल यूज़ होगा ट्रैक्टर में उनको करने, सिंचाई करने के लिए, वहीं वो करते हैं, वहीं आग लगा के वो जल्दी से अपना काम करके कि नेक्स्ट फसल को अपना किया जाए। तो दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने आरोप लगाया सीधा सीधा किसानों पर, हरियाणा और पंजाब के किसानों पर, कि उनकी पराली जलाने की वजह से दिल्ली में फिर से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो हो रहा है, इस पर आप कितनी सहमति रखते हैं? दिल्ली का तो और पंजाब का तो कुछ डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है, इतना तो ये तो है नहीं कि अब सीधा पंजाब से पोल्यूशन वहीं जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो ये तो नॉनसेंस वाली बात हो जाती है। हाँ, उनके आसपास का कोई एरिया है वहाँ पर वो हो सकता है कि हाँ कि सही है बिल्कुल। और इस बार अगर देखा जाए तो पिछले साल की बात करें तो पोल्यूशन जो है वो पराली की वजह से दिल्ली में ही देखा गया था, लेकिन इस बार सिर्फ दिल्ली में ही नहीं टिका, पंजाब हरियाणा और यहाँ तक कि चंडीगढ़ में भी पोल्यूशन जो है वो देखने को हमें मिल रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? वही ना कि सर, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, कोई एक ऐसी टीम बनाई जाए कि जो किसी के पक्ष में ना हो, किसी ने आग लगाई है ऑन द स्पॉट वहाँ जाकर एक्शन लिया जाए,
उनको जितना हिसाब से जो भी खेत के हिसाब से एकड़ के हिसाब से कोई फाइन करना वो किया जाए, ठीक है ना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं आग लग गई, किसी ने इन्फॉर्मेशन आस पड़ोस वाले ने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो उसको करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी ने भी आग लगाई, चाहे वो छोटा है किसान है या कोई बड़ा किसान है, फिर ही कोई इसका रिजल्ट आ सकता है। तो ये थी कुछ राय चंडीगढ़ के लोगों की, और अब देखने वाली बात होगी कि पराली से जो पोल्यूशन हुआ है वो कम होता है या नहीं, सरकार कोई स्टेप्स जो है अगले साल उठाती है या नहीं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।